Good afternoon, students. So today we are going to revise multiplication sums. Okay, आज हम two multiplication sums भी करेंगे, उसके बाद हम divisions करेंगे, ठीक है? Okay, so write today's date on your math notebook. Open your math notebook. No page number, क्योंकि आज का work जो है हम math की notebook पे कर रहे हैं. Okay, तो आपने notebook open करनी है and write today's date. ओके हाँ जी, तो आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन सम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग दिस स्टेटमेंट हियर, 308 मल्टीप्लाई बाय 5. ओके, हमें 308 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? जिनको आता है वो खुद ट्राई करेंगे, जिनको कोई डाउट है वो मैम के बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है? लुक एट द बोर्ड, अंडरस्टैंड फर्स्ट, ओके, एंड देन ट्राई. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वील राइट जीरो जीरोस फॉर राइटिंग कैरी ओवर, देन प्लेस वैल्यूज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ओके, देन वील राइट 308 मल्टीप्लाई बाय 5. ओके, अब ध्यान से देखेंगे, जब किसी नंबर में जीरो हो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, है ना? सी 58 का 5 का टेबल हम काउंट करेंगे 8 तक, ठीक है? 5 0 0 0, 5 1 0 5, 5 2 0 10, 5 3 0 15, 5 4 0 20, 5 5 0 25, 5 6 0 30, 5 7 are 35, 5 8 are 40, 40 0, 40 का 0 यहाँ आ गया, 4 will be carried over, ठीक है? 4 को हमने यहाँ पे tens place में ऊपर लिख दिया, ठीक है? अब हमने 5 का table 0 तक read करना है, ठीक है? 5 0 are 0, मैंने आपको पहले भी बताया था, 0 के साथ किसी भी चीज को हम multiply, किसी भी number को, किसी भी digit को multiply करेंगे, तो answer क्या हो जाएगा? 0, 5 0 is 0, 0 plus 4, 4. Okay? 5 0 is 0, 0 plus 4, 4. अब हमने 5 का टेबल 3, 3 तक काउंट करना है. 5 0 is 0, 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 3 is 15. ओके, तो अब हमारे पास आंसर है 1540. आई होप अगर किसी को भी अब जीरो वाले सम में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो वो क्लियर है? क्लियर है? शो मी योर थंब. अगर अभी भी किसी को डाउट है, कैन रेज द हैंड, ठीक है? आप हैंड रेज कर सकते हो. ओके, नो डाउट, गुड. हाँ जी, तो अब मैं आपको एक सम दे रही हूँ मल्टीप्लाई का, ठीक है? आप सॉल्व करोगे, अब मैम नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब आप सॉल्व करोगे. सो सेकंड सम इज 290 मल्टीप्लाई बाय 6. ओके, अब आपने 290 मल्टीप्लाई बाय 6. आपने मल्टीप्लाई करना है 290 को 6 के साथ, ठीक है? खुशी, यू हैव रेज्ड योर हैंड, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? डू यू वांट टू आस्क समथिंग बेटा? ओके, गायत्री मैम प्लीज अनम्यूट खुशी. ओके मैम, वेरी गुड.
वेरी गुड, शगुन हैज गिवन द आंसर इन द चैट बॉक्स. आर्यन वेरी गुड. मैम शी इज नॉट देयर, आई हैव सीन, वेट अ मिनट, मैं एक बार चेक करती हूं. कुशाल, कुशाल पाठक. हां कुशाल, तभी तो मैं खुशी को ढूंढ रही थी. कुशाल पाठक. मैम जीरो वाला डाउट ना मुझे ना समझ नहीं आया. जीरो वाला सम? यस. ये देखो बेटा, यहाँ पे 308 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है? हम कैसे करेंगे, पहले 5 को 8 से मल्टीप्लाई, 5 का टेबल 8 तक काउंट करेंगे. 5 0 से 0, 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 3 13 4 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 का जीरो हमने यहाँ पे लिखा है ना. 4 कहाँ गया, कैरी ओवर के लिए चला गया 4, है ना. 4 को हमने ऊपर वाले टेंस के ऊपर लिख दिया, ठीक है. यहाँ तक समझ आ गया, शो मी योर थंब. यहाँ तक समझ आ गया, ओके. अब हमने 5 का टेबल 0 तक काउंट करना है. 5 0 0 0, है ना. और जो कैरी ओवर होता है उसको हम क्या करते हैं, उसमें प्लस कर देते हैं. तो 5 0 0 0 आंसर है. तो 0 में हमने 4 को प्लस कर दिया, 4 हो गया. 0 प्लस 4 4 हो गया. फिर 5 का टेबल हमने 3 तक काउंट किया. 5 3 15, ओके क्लियर. ओके यस, भावेश हैज गिवन द आंसर इन द चैट बॉक्स. वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन. तो अभी मैं फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ. 290 मल्टीप्लाई बाय 6, हियर वी हैव टू राइट प्लेस वैल्यूज. मैं यहाँ पे टॉप पे लिख ले रही हूँ, ठीक है. आप 0 से पहले भी लिख सकते हो, 0 के बाद भी प्लेस वैल्यूज लिख सकते हो, ठीक है. देयर इज नो रूल फॉर राइटिंग प्लेस प्लेस वैल्यू. 6 0 6 का टेबल हम 0 तक काउंट करेंगे. 6 0 0 0, 6 9 54, 54 में 4 वंस प्लेस पे है, 4 को हम रख देंगे नीचे और 5 विल बी कैरीड ओवर. 6 2 12 12 प्लस 5 12 के बाद हम 5 12 में हम 5 प्लस करेंगे. 13 14 15 16 17, तो हमारे पास आंसर आ गया 1740. डन. कुशाल लोअर डाउन योर हैंड. यस, 1740. यस कृति, मैम कृति को करना अनम्यूट. यस मैम. कृति बेटा अनम्यूट एंड आस्क योर डाउट. आपने हैंड रेज किया है कृति, कृति अग्रवाल. डन. शी इज नॉट unmuting. मैम वो unmute कर नहीं पा रही. I have given the option her. Okay. So 290 को हमने 6 से multiply किया. 6 zeros are 0. 6 nines are 54. 4. 5 will be carried over. 6 twos are 12. 12 plus 5, 17. Okay. Excuse me ma'am. Yes. Excuse me. हाँ जी कृति. तो आपने एक जो जीरो वाला सम कर जो करवाया था, एक जीरो वाला, तो वो मुझे अभी समझ में नहीं आया था जो अभी करवाया. यस मैम. अभी मैं समझा रही हूँ, अभी एक बार से फिर से ध्यान से देखिए एंड स्विच ऑन योर कैमरा. आप अपना कैमरा ऑन कीजिए. जैसे बाकी डिजिट्स है, अगर वैसे जीरो भी वैसे ही है, ठीक है, जैसे हम बाकी डिजिट्स तक हम टेबल रीड करते हैं ना, वैसे हमने जीरो तक टेबल रीड करना होता है. लेकिन आपको वैसे भी पता होना चाहिए, हमने कल भी किया था, कि जब हम किसी भी डिजिट को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है, जीरो, ठीक है.
क्योंकि हर टेबल में हम स्टार्टिंग जीरो से करते हैं ना, टू जीरो जा जीरो, थ्री जीरो जा जीरो, तो जब भी हम किसी डिजिट को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो है, ठीक है। सिक्स जीरो जा जीरो, सिक्स नाइन जा 54, 54 में 4 हमने नीचे लिख दिया, 5 विल बी कैरिड ओवर, 5 चला गया हंड्रेड्स प्लेस पे, कैरी ओवर चला गया, ठीक है। 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 17, ठीक है जी, ये हो गया 1740। उसके बाद जो हमने पिछला सम किया था 5 8 जा 40, 40 का जीरो यहां आ गया, 4 विल बी कैरिड ओवर, है ना, 4 ऊपर आ गया टेंस प्लेस पे। फिर 5 0 0, और जो कैरी ओवर आता है उसको हम जीरो में प्लस कर देते हैं, है ना, तो 5 0 0 आया, 0 प्लस 4 4, तो यहाँ पे आ गया 4, 5 3 15, ओके ओके मैम, थैंक यू मैम, ओके। तो अभी एक सम और करोगे आप मल्टीप्लाई का, जीरो वाला ही डाल रही हूँ मैं, ठीक है जी। 209 मल्टीप्लाई बाय 6, जल्दी से कीजिए, 209 मल्टीप्लाई बाय 6, write your answer in the chat box. Okay, RN has given the answer. Very good. Isha, very good. Kartik, Bhavesh, Dhanya, very good. Harshdeep, very good. Kirat, very good. Astik, सबका correct answer आया है, very good. शाबाश, जल्दी से कीजिए। एलिन, रिद्धिमा, हर्षदीप, वेरी गुड। चलो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिनको अभी भी डाउट है वो ध्यान से बोर्ड की तरफ देखेंगे, ठीक है, अभी छोड़ दो, अगर आपको कोई डाउट है, आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वहीं पे छोड़ के आप बोर्ड की तरफ देखिए, ठीक है। लुक एट द बोर्ड एंड अंडरस्टैंड अगेन विद मैम। नाउ वी हैव टू काउंट, वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ 6 अप टू 9, हमने 6 का टेबल 9 तक रीड करना है ना, तो 6 5 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 54 तो हमने 4 लिखा आंसर बॉक्स में, एंड 5 विल बी कैरिड ओवर, 5 ऊपर आ गया हमारे जीरो वाले बॉक्स में आ गया 5। अब 6 का टेबल हमने 0 तक रीड करना है, 6 0 0, और जीरो में हमने 5 को ऐड कर देना है, जो भी कैरी आता है, कैरी ओवर होता है, जो भी नंबर डिजिट उसको हम ऐड ही करते हैं ना, प्लस माइनस प्लस में भी हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे भी हमने 6 0 0, 0 प्लस 5 5, 6 2 12, 1 इधर चला गया, 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा, तो 1254 आंसर हो गया हमारे पास, 1254 done. Okay, अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मैम से कभी भी पूछ सकते हो, यू कैन सेंड योर ऑडियो, ठीक है, आप बाद में भी मुझे क्लास के बाद भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है, ओके। सो शैल वी मूव, चलिए फिर डिवीजन सम करें आज, ठीक है। ऐसे ही हमने डेली 2 सम्स मल्टीप्लाई के किया करेंगे और 2 सम्स
डिवीजन के किया करेंगे। ओके चलिए तो अब हम करेंगे डिवाइड एंड चेक। ओके डिवाइड एंड चेक, सो वी हैव 34 डिवाइड बाय 2, हमने 34 को 2 से डिवाइड करना है और फिर चेक करना है। ठीक है, पीटी 1 में हमने 0 टू 5 टेबल्स ही लेने हैं डिवीजन के लिए। ठीक है, 0 टू 5 के बीच की ही डिवीजन हमने करनी है। ओके तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया है 2, कैसे करेंगे, और 34 को, यहाँ तक तो आप सबने फर्स्ट में किया है डिवाइड कैसे करते हैं, है ना। तो आप मैम के साथ साथ पहले आप अंडरस्टैंड कर लो, अगर आपको आता है डिवाइड करना तो आप मैम के साथ साथ कर सकते हो। ठीक है, अब हमने 2 का टेबल, हमने कैसे करना, हमने सिंगल डिजिट लेना होता है। ठीक है, 2 का टेबल, यहाँ पे जो 3 है, 3 2 से बिग है, तो हमने 2 का टेबल 3 तक रीड करना है। ठीक है, 2 0 ज 0, 2 1 ज 2, 2 2 ज 4, 2 2 ज 4 जो आंसर है वो 3 से बिग डिजिट है, 4 है ना। तो हमने क्या करना है, 2 2 ज 4, हमने 2 1 ज 2 पे जाना है। ठीक है, 2 2 ज 4 को नहीं ले सकते ना हम, तो हम लिखेंगे 2 1 ज 2, फिर हम 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 माइनस 2 1 और 4 एज इट इज नीचे आ गया। अब हमारे पास है 14। ठीक है, हमने 2 का टेबल 14 तक रीड करना है। 2 0 ज 0, 2 1 ज 2, 2 2 ज 4, 2 3 ज 6, 2 4 ज 8, 2 5 ज 10, 2 6 ज 12, 2 7 ज 14। तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया 14। अब 4 में से 4 0, 1 में से 1 0, माइनस किए वी गॉट 0 रिमाइंडर, है ना। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे रिमाइंडर 0, कोशेंट क्यू कोशेंट 17, डिविडेंड कैपिटल डी, डिविडेंड हम किसे बोलते हैं, जो जिसको हमने डिवाइड करना है, 34 नंबर को हमने 2 से डिवाइड करना है, तो 34 इज डिविडेंड, और फॉर डिविडेंड वी यूज कैपिटल डी, एंड डिवाइजर इज 2। ठीक है, अब हम करेंगे चेकिंग। नाउ विल डू चेकिंग। सो फॉर चेकिंग, कैन एनीबडी टेल मी द रूल, अगर किसी को लर्न हो गया है, व्हाट इज द रूल फॉर चेकिंग, प्लीज रेज योर हैंड्स। हु विल टेल द रूल फॉर चेकिंग? आदित्य मैम, प्लीज अनम्यूट आदित्य। आदित्य मैम एक मिनट, मैम करती हूँ, चैट बॉक्स आदित्य, वेरी गुड मैम। मल्टीप्लाई बाय स्मॉल डी प्लस आर, प्लस आर, आर अब आपको पता होना चाहिए, कैपिटल डी को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है, तो आपने ऐसे नहीं बोलना है कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी मल्टीप्लाई बाय क्यू, ऐसे नहीं बोलना है, आपने बोलना है डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ओके speak with me everyone, dividend is equal to quotient multiply by divisor plus remainder. okay फिर से बोलिए, dividend is equal to quotient multiply by divisor plus remainder. ठीक है, okay ma'am। हाँ, अब हमने इनकी वैल्यूज, मतलब इस सम में हमारे पास डिविडेंड कितना है, 34 है ना, कैपिटल डी डिविडेंड हमारे पास 34 है, तो हम डी कैपिटल डी के नीचे लिख देंगे 34। अब क्यों हमारे पास कितना?
multiply d divisor we have 2. So we'll write here 2. Then plus remainder we have 0. तो हमने यहाँ पे डिविडेंड क्वेश्चन डिवाइजर और रिमाइंडर की वैल्यू फिल करी है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना है ये 34, तो एज इट इज हम 34 को लिख देंगे यहाँ पे, विल राइट 34 एज इट इज। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे रफ वर्क करना है, ठीक है। आप भी अपनी नोटबुक पे साइड पे ऐसे लाइन लगा के रफ वर्क कर सकते हो। सबसे पहले हमने 17 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 17 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, 2 7 जा 14, 1 विल बी कैरीड ओवर, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 34, तो हम यहां पे लिख देंगे 34 प्लस 0, 34 में हम 0 ऐड करेंगे। आपको पता है किसी भी नंबर में जब हम 0 ऐड करते हैं तो आंसर में कोई फर्क नहीं आता है ना। 34 प्लस 0 34 इज इक्वल टू 34। ओके, इन दिस वे विल डू चेकिंग। जब हमारे पास लास्ट में दोनों नंबर्स इक्वल आ गए, दैट मींस आवर सम इज करेक्ट। हमने जो ये डिवीजन की है ना, जो क्वोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट किया है, ठीक है, दैट इज करेक्ट। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क। फर्स्ट ऑफ ऑल रेज योर हैंड्स, देन आई विल टेक योर नेम वन बाय वन, यू कैन आस्क। हां जी, यहां तक अगर किसी को भी कोई डाउट है, हरकीरत कौर, हाँ जी हरकीरत अनम्यूट कीजिए। बाकी बच्चे कंप्लीट कर लेंगे। हाँ जी हरकीरत, बेटा सबको आप अपना म्यूट रखिए। नाउ एनीबॉडी कैन अनम्यूट, ठीक है, लेकिन आपने अपना म्यूट रखना है, ठीक है। जिसको कोई डाउट है सिर्फ वही अनम्यूट करेगा। प्रभगुन, हाँ जी बेटा, प्रभगुन मैम आप अनम्यूट कीजिए। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। मैम मैम म्यूट। गायत्री मैम, हैव यू चेंज द सेटिंग? देखो, हाँ, अभी मुझसे पूछा है कि ये दोनों 34 कैसे आ गया, तो यही तो मैजिक है। इसी मैजिक से हम अपना सम पता कर सकते हैं कि हमने सम ठीक किया है या गलत किया है, ठीक है। तो इसके लिए हम करते हैं चेकिंग, और चेकिंग के लिए आपको ये रूल याद रखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न दिस रूल, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ओके, आपने डी कैपिटल डी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 34 है ना, 34 है ना कैपिटल डी, तो हमने डी की जगह लिख दिया 34। ओके, फिर क्यों मैम रेफरेंस मैं बता नहीं रही। क्वेश्चन हमारे पास है 70, हमने यहाँ पे 17 लिख दिया मैम, ठीक है। फिर हमारे पास रिमाइंडर है 0, 0 हमने आर के नीचे लिख दिया, और डिवाइजर हमारे पास 2 है, तो 2 हमने स्मॉल डी के नीचे लिख दिया, डिवाइजर के नीचे लिख दिया 2। ओके, अब हमने 17 को 2 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है,
दैट मींस हमने 17 को 2 से रफ वर्क में मल्टीप्लाई किया, विल गेट 2 7 जा 14, 1 2 1 जा 1 2 2 plus 1 3 34 आ गया हमारे पास। हमने यहां पे नेक्स्ट स्टेप में 17 को 2 से मल्टीप्लाई करके आया 34 लिख दिया यहां पे, ठीक है, प्लस 0। अब किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करेंगे देन द नंबर विल रिमेन सेम। ओके, सो नेक्स्ट सम, ठीक है, आप 53 डिवाइड बाय 4 हमने किया, कैसे किया हमने 53 4 से हमने डिवाइड करना है, तो हमने 4 को लिख दिया यहां पे और 53 लिख दिया, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। देन अब हमने 4 का टेबल रीड करना है 5 तक, ठीक है, 5 तक, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 से ज्यादा है, बिग है, तो हमने 4 1 जा 4 ले लिया, ठीक है। अब हमने 5 में से 4 माइनस किया, 1 3 एज इट इज आ गया, तो हमारे पास बन गया 13। फिर हमने 4 को 13, 4 का टेबल 13 तक रीड करना है, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 16 तो 13 से ज्यादा हो गया, तो हमने ले लिया 4 3 जा 12। ओके, अब 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0, नाउ वी हैव रिमाइंडर 1, क्वोशेंट 13 एंड डिवाइजर 4। अब हमने चेक करना है, ठीक है, चेकिंग का क्या फॉर्मूला है सभी मैम के साथ बोलेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अब हमने इनकी वैल्यूज भरनी है, ठीक है, मतलब इस सम में हमारे पास डिविडेंड कितना है 53, डिविडेंड के नीचे 53 लिख दिया, क्वोशेंट हमारे पास 13, 13 लिख दिया, डिवाइजर वी हैव 4, 4 लिख दिया, प्लस रिमाइंडर वी हैव 1, ने 1 लिख दिया। अब हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई वाले टर्म को सॉल्व करना, 13 मल्टीप्लाई बाय 4, तो रफ वर्क में हमने 13 और 4 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 52, ठीक है। फिर हमने इसमें प्लस 1, अब रिमाइंडर हमारे पास 1 है, 52 हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस 1 रिमाइंडर हमने 52 में ऐड करना है, मतलब जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर आया उसमें हमने 1 ऐड करना है, 1 ऐड किया, वी गॉट 53।